Now we will start exercise 6.2. See your question number 1. Find the value of p in each of the following. आपने p की वैल्यू फाइंड करने आपके पास क्वेश्चन गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 by 5 is equal to p by 20. आपने यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? p की. तो हम यहां पे एक नया मेथड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे करते हो? आप इन दोनों नंबर्स को आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. मीन 2 विल मल्टीप्लाई विद 20 एंड 5 विल मल्टीप्लाई विद p. तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 20 देन इक्वल साइन यू विल पुट एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय p. 22s आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय p. 5 और p आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 5 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है. हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 एक्स्ट्रा इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड द 40 बाय 5 इज इक्वल टू, यहां पे सिंपल क्या रह गया? p. 5 वन्स आर 5, 5 एट्स आर 40. तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई? 8. 8 इज इक्वल टू p. इस तरह आप सारे पार्ट्स कंप्लीट करेंगे. नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन. अब आपके पास क्या आ जाता है? प्रोपोर्शन. अभी तक आपने किसको डिफाइन किया? रेशियो को. अब प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है? कोई भी दो रेशियोज के दरमियान अगर आप कंपेरिजन करते हो तो वो क्या बनाता है? प्रोपोर्शन. द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. दो रेशियोज के दरमियान में इक्वालिटी जो होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शन. जैसे ये देखें, टू रेशियो 7, वन रेशियो आपके पास एक्स रेशियो 49. दो रेशियोज के दरमियान में इक्वालिटी, इसको 4 डॉट से आप डिनोट करते हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन. अब यहां से हमने फॉलोइंग प्रोपोर्शन से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. गिवन प्रोपोर्शन आपके पास क्या है? 2:7 प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 49. आपके पास एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. मीन मीन दरमियान वाली दो वैल्यूज, एक्सट्रीम मीन साइड वाली दो वैल्यूज. आप प्रोडक्ट मीन इनको मल्टीप्लाई करेंगे. मीन दरमियान में कौन है? 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स देन इक्वल साइन और 2 मल्टीप्लाई बाय 49. तो 7x यहाँ पे हमारे पास देखें, एक्स से 7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है. दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय 49 बाय 7. आप देखें अप एंड डाउन कटिंग इज देयर. 7 वन्स आर 7, 7 सेवन्स आर 49. तो हमारे पास क्या रह गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 सेवन्स आर 14. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 14. अंडरस्टैंड प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम.